अरे मर जाएंगे तो वो भी काम नहीं आएगा, उठा के चट्टे ले जाएंगे और वहाँ ले जाके ये भी सारे छोड़ के जला देंगे अलगे, एकदम लिंटे फेंक देंगे, इसे जाओ जलो, जा बाबा जल रहा है तो बाबा जलबाव नहीं करेगा, मट्टी में जाएगा समाधि होगी, हमारा कोई क्या करेगा, मीडिया हो चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस हो उनसे क्या मतलब है, हमारा सच्चाई है, सच्चाई रहेगी जब तक जिएंगे, तिरंगा मेरा शान है वही मेरा जान है। नमस्कार, आस्था के मेला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने जौ वाले बाबा को बहुत ही आप लोगों ने कमेंट किया है, सभी चैनल पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि जौ वाले बाबा से आप लोग एक बार फिर से जाइए और बाबा जी का इंटरव्यू लीजिए और बाबा जी कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर कब से आए हुए हैं, तुम थोड़ा बाबा जी से बात करना चाहेंगे तो हमारे बाबा जी हमारे पास में हैं और बाबा जी से सबसे पहले बाबा जी प्रणाम। जय हो। तो बाबा जी हमारे जो आपके वीडियो बना के गए हैं, काफ़ी जो यूट्यूबर आके बना के गए हैं, तो उन लोगों का यह बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि जौ वाले बाबा के पास आप लोग जाइए, थोड़ा उनसे डिटेल लीजिए कि बाबा जी कहाँ से आए हैं और बाबा जी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमारे व्यूअर्स जो हैं यहाँ पर मेले में आते रहते हैं और आपको जो है बहुत ही लोग दानी भी होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। हाँ जी, क्या बोले थे बाबा जी? कोई नहीं करना है, कोई नहीं है, कहने वाला सब है, करने वाला कोई मीडिया एडिया कोई नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कहने वाला सब है, करने वाला कोई नहीं है, मीडिया उडिया कुछ नहीं। बात तो बाबा ने सही कहा है कि देखिए सब कहने वाले सब हैं कि हम बाबा को ये दान देंगे वो दान देंगे और बाबा को जो दान देने वाला कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं है, गलत पर देने वाला सब है, सच्चाई दे रहे हैं, सच्चाई देने वाला सब है, कहने वाला सब है, और जो देने लायक उसको नहीं देना है, जो दारू पीने वाला गांजा खाने वाला है सब करने वाला उसको सब दे रहा है। बाबा का बात 101% सही है, ईमानदारी हम बैठे हैं तो कोई नहीं दे रहा है, ज्यादा है। तो बाबा जी का कहना 101% सच है क्योंकि अभी कहीं ऑर्केस्ट्रा होता होगा ना वहाँ पर पांच मैं हजारों लुटाएंगे और बिरहा होता होगा वहाँ लुटाएंगे, लेकिन सच्चाई जहाँ वहाँ नहीं मिलने वाला है कुछ। तो जहाँ पर बिरहा होता है वहाँ पर बुजुर्ग लोग थोड़ा बहुत अब तो जाते हैं, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ तो 500-500 के नोटे जो है बिछाई जाती है, बरसाई जाती है, लेकिन एक बाबा जी महात्मा जी हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो अपने सर पर उगाए हुए हैं, जो चना है, उरद है, जौ चना उरद मूंगी मेथी गांजा यहाँ पर बाबा जी ने सब कुछ उगाया हुआ है और बाबा जी को देखने के लिए सब आ रहे हैं, लेकिन कोई जो है देने वाला नहीं, अगरबत्ती जलाने के देने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर बाबा जी का कहना है कोई देने वाला नहीं है, बात सही है क्योंकि दे रहे किसी तरीके हम जला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बस, वो इसीलिए न किसी वृक्ष तर हैं न किसी कहीं एकदम एकांत में बैठे हैं, किसी से मतलब नहीं है, हमने शांति से न कोई पंडाल में जाते हैं खाना खाने, न किसी से हाथ पहलाते हैं, हमको दो जिसको खुशी हो दो नहीं मत दो। तो बाबा जी का कहना है कि जिसकी खुशी है वो दे सकता है, जिसकी खुशी नहीं है नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल आप लोगों से सब कोई खुशहाल रहे, पूरा विश्व खुशहाल रहे, हम पूरे विश्व को खुशहाली चाहते हैं बस। अच्छा, हम जाएंगे उधर हमको खाने की जरूरत कोई ना कोई देगा। अच्छा बाबा जी हमें सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप रहने का वाले कहाँ के हैं? मारकुंडी का रहने वाले हैं, मारकुंडी के रहने वाले बाबा जी हैं और सोनभद्र है, कोई दूर नहीं है, जिला सोनभद्र है, मारकुंडी के रहने वाले हैं और हम जो है ऐसे चलते फिरते हरदम रहते हैं, हर महीने में आप 9 दिन इस पर ये चीज पाएंगे, हर महीने में 9 दिन आपको हमको मतलब कि कोई भी मिलेगा जी, हर महीने में कोई ना कोई वृक्ष इसमें मिलती रहेगी। अच्छा बाबा जी, ये अभी आप कब से इसको उगाए हैं? ये तो उगा है जो है इसके ये महीने के पहले, कौन महीना चढ़ता है, दिसंबर 19 दिसंबर का ये बोया गया फसल है, उसी तरीके आके हम आश्रम में पड़े हैं गंगा मैया के कोरा में, उन्हीं का पानी पी रहे हैं, उन्हीं का जल खा रहे हैं, उन्हीं को इनको नहवा रहे हैं, पड़े हैं किसी पंडाल में मांग के खाने नहीं जाते हैं। अच्छा गुरुजी, हम आपसे यह पूछना चाहेंगे इसको उगाने का आपका महत्व क्या, मतलब आप क्या करना चाहते हैं इसको उगा के? हाँ, तो यही है जो हमारा अंतिम इच्छा था, क्योंकि बहुत दिन तक जमीन पर सेवा, जैसे पंडाल में बैठे हैं लोग जो हुए तुलसी मैया का सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके हमने भी 5 साल मन्नत मान दिया जब 5 साल इसको हट करेंगे अपना, उन लोग बाहर कल उपवास करेंगे हम यहाँ करेंगे, तो हमारी इच्छा थी हम कर रहे हैं। तो गुरु जी की ये इच्छा थी कि ये जो है अपने अपने जो है सर पर जो है यस जो है वृक्ष को उगा कर, यानी कहने का मतलब है जौ चना और गांजा सभी प्रकार का यहाँ पर जो है उगाए हुए हैं, ताकि सबको लगे कि वातावरण में जबकि पृथ्वी खाली है, पृथ्वी माँ की कोख खाली है और कोई उसकी जुताई बुआई करने वाला नहीं है,
और उसी चीज को बाबा ने उसी को आधार बनाकर यह अपना जो है कारनामा दिखाया है। और इस कारनामे को तो हम कहते हैं कि बाबा अगर सिर पर उगा सकते हैं तो आप लोग तो धरती पर उगा ही सकते हैं, है ना बाबा? हाँ जरूर, इसलिए जो हम देखिए धरती पर भी उगा रहे हैं, जितना फसल इस पर है वो भी धरती पर है, क्योंकि सच्चाई है दोनों, हकीकत और सच्चाई दोनों सामने आएगी। धरती पर बिना खाद है, सिर्फ फूल और पानी का सिंचाई हो रहा है। फूल इस पर डालते हैं क्योंकि गर्म रहेगा, ठंडा होगा, बच्चा निकलेंगे आराम से। पानी एक बार नहीं देते हैं क्योंकि उनको भी बिछोना चाहिए, उनको भी उड़ाना चाहिए। अच्छा, तो इसमें कोई खाद पास की जरूरत नहीं? खाद नहीं, कोई खाद नहीं, उसमें भी कोई खाद नहीं है, ना इसमें कोई खाद है, उसमें मट्टी है, इसमें मट्टी नहीं है, ये खून पसीने का अनाज है। अच्छा बाबा जी, इसकी जड़े कैसे होती होंगी? जड़े जैसे इसमें होगी वैसे इसमें है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, देखिए कोई मिट्टी तो है नहीं आपके, मतलब कि जड़ कहाँ जाता है? जड़ ऐसा है, जब ये जैसे ये देखिए कहीं कहीं लिखाई दे रहा है, देखिए जैसे बार बढ़ रहा है, बाले के साथ साथ बढ़ रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है जी जी। जब और ऊंचा होगा तो जब इसमें लोड पड़ेगा, दाना का वजन नहीं पड़ेगी डांटी, जब लोड पड़ेगा तो चमड़ा फट जाता है, चमड़ा फट जाता है तो उसमें ब्लड चलता है, जब ब्लड चल देता है तो जो शोर होती है उसी में ही जाती है, चमड़े के अंदर ही जाती है। यानी आप एक हिसाब से देखा जाए तो अपने खून से इसको सींच रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं खून पसीना पानी की खेती है। कोई खाद पास नहीं? खाद पास नहीं, अगर खाद पास निकल जाएगी तो गर्दन कटा देंगे, मट्टी निकल जाएगी गर्दन काट देंगे। तो बाबा जी देखिए इतना जो है इतना उत्साहित हो के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग अगर किसी खेत में अगर कुछ चीज भी उगाते हैं तो खाद पास डालकर उगाते हैं, लेकिन बाबा जी का जो है, ये आप कारनामा देख रहे हैं बाबा जी का, ये एक हिसाब से इनका जो है परिक्रमा है कि बाबा जी जो है इसको ऐसे उगाए हैं कि बिना खाद बिना पास, और इसकी जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं इनके नस तक भी पहुंच जाती हैं। और बाबा जी तो बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही जागरूक करते रहें, और बाबा जी को जो है इसलिए मैंने फान दिया कि किसान भाई जैसे जंगल है, उस जंगल में पचासों बीघा जमीन पड़ती पड़ी है, अब देहातों में जो है जनता बढ़ती जा रही, वहाँ अगर वन काटो खेती करो, वन विभाग पहुँच के वहाँ चढ़ाई कर दे रही है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ भाग जाओ। तो हम सोचे भैया हम ना काटेंगे ना वहाँ जाएंगे, हम अपना साधना पर बैठेंगे, साधना से मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा राम राम, हम अपना साधना में कमाएंगे खाएंगे। और अपने खून से इसको सींच कर जो है जागरूक कर रहे हैं जनता को, जागरूक कर रहे हैं, इसलिए जो तैयार हो जाएगा इसी का प्रसाद बांटेंगे, जो अगर किसान समझेगा अपना हिसाब से काम करेगा, नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या मतलब है। बात सही है, खाद डालते हैं ना, खाद का हाल जानते हैं, हमारे खेत में खाद नहीं है, हम अपने खेत में खाद नहीं डालेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ पाएंगे खाद। बात तो सही बाबा जी ने कहा, और जो भी बाबा जी का वीडियो देख रहा है प्लीज़ एक बार अगर आप माघ मेले में आए हुए हैं तो अगर आपको कुछ देने की इच्छा है तो बाबा जी को किला के सामने जो है बाबा जी रहते हैं, आप आइए यहाँ पर इनका आशीर्वाद लीजिए और इनको कुछ दान दक्षिणा दे के अगर नहीं जाना है तो इनको कुछ जो है हमारे मैया को देना है तो माता के नाम से हम भंडारा करवाते हैं, हमके मत दो, हम पैसा क्या करेंगे, मर जाएंगे कहाँ ले जाएंगे, चोर लग जाएंगे, डकैती लग जाएंगे अभी हमारे पीछे, हम पैसा क्या करेंगे। बाबा जी का कहना तो भंडारा करवाओ, बात सही है, बाबा जी का कहना है कि यहाँ पर हमको पैसा नहीं चाहिए और भंडारे के लिए अगर कुछ देना है तो माता जी को दीजिए, क्योंकि माता जी के इस जो है प्रसाद, माता जी को प्रसाद अगर किसी को खिलाना है तो यहाँ पर माता जी को भंडारा के लिए जो है आप कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर हाँ, अगर आपके पास अगर कुछ देना चाहते हैं तो बाबा जी को कंबल ले आकर दीजिए, क्योंकि ठंड में बाबा जी यहाँ पर ऐसे पड़े रहते हैं। हमारे काम में वो दो, अरे मर जाएंगे तो भी काम नहीं आएगा, उठा के चढ़ ले जाएंगे और वहाँ ले जाके ये भी सारे छोड़ के जला देंगे, अलगे एकदम निंटे फेंक देंगे, इसे जाओ जलो, जा बाबा जल रहा है तो बाबा जलभव नहीं करेगा, मट्टी में जाएगा, समाधि होगी, हमारा कोई क्या करेगा, मीडिया हो चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस हो, उनसे क्या मतलब है, हमारा सच्चाई है, सच्चाई रहेगी जब तक जिएंगे, तिरंगा मेरा शान है, वही मेरा जान है। जय भारत माता, जय भारत माता। तो कैमरामैन दिलीप इलाहाबादी के साथ मैं राम सिंह प्रजापति, अंजू डेली ब्लॉग। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अंजू डेली ब्लॉग फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हमको जो देना होगा हम गुप्त में दे देंगे, बाबा को कैमरे में नहीं दिखाएंगे। नमस्ते।